हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो चलिए, आज तो होली का दिन है और इस होली के शुभ अवसर पे हम लोग स्ट्रगल टू सक्सेस का पार्ट 3 हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए हुए रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 2018 में मैंने अपना जो मेरा फर्स्ट सेंटर था, मैंने उसे क्लोज कर दिया। कारण बहुत सारी थी जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके प्रति कोई जागरूकता मेरे अंदर में नहीं था कि अब हमको करना क्या है। तो आपको तो पता ही होगा कि जब एक रास्ते बंद होते हैं तो उसके साथ साथ में 5 रास्ते खुलते भी हैं। अब उस 5 रास्तों में से आपको चूज करना है कि कौन सा आपके लाइफ के लिए बेटर है। कोई जरूरी नहीं है कि जो रास्ता आप चुन रहे हो वो आगे जाके आपको सक्सेस ही दिला है, लेकिन उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ ऐसा जर्नी है कि आपको हर एक कदम पे सीखने को ही मिलता है, और सीखने का नाम ही जिंदगी है। तो मैंने भी अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो अपना सेकंड स्टेप लिया, एक ऑप्शन आया, जो ऑप्शन मुझे मिला मैंने उसे दोनों हाथ से उसको ग्रैब किया। ऑप्शन ऑप्शन ये था कि एक फ्रेंड के जरिए मैंने पार्टनरशिप में हरिओम टावर रांची में एक सेंटर डाला 2018 में, लास्ट 2018 में। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमारे उनके बीच में, जो कि ऑफिस की बात है कि अगर दो लोग ऐसे लोग जो अपने बातों को पूरी अच्छे तरह से किसी की एक दूसरे के सामने कन्वे कर पाते हैं तो कभी कभी उनके अंदर में टकराव भी आता है, क्योंकि एक नेचुरल बात है, वो आता ही आता है। हमारा बिजनेस करने का तरीका अलग, उनका बिजनेस करने का तरीका अलग। हमारा एक पास्ट का एक्सपीरियंस भी है जो कि वो भी मैटर करता है। तो जब हम अपने एक्सपीरियंस को लाना चाहें तो बातें कुछ और हो गई। ऐसे ही करते 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 आपको भी पता होगा कि 2019 के लास्ट में पैंडमिक आया, और पैंडमिक के कारण ही सारे जगह लॉकडाउन लगा, और मैं भी लॉकडाउन में रांची में ना रह के मैं भी गांव से छूट गया कुछ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं रांची में रह के भी क्या करता हूँ। तो कुछ समय के लिए मैं भी रांची में से हट के अपने गांव में शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो वो कुछ वर्क था नहीं, तो हम यहाँ पे रह के भी क्या करते हैं। तो सोचे कि जब स्विच ऑफ है चलते हैं वहीं पे, अपने गांव में ही रहते हैं। और 2-3 महीने के बाद जब गांव से मैं आया तो मैंने देखा कि जहाँ मेरा सेंटर था वो जगह पे कुछ भी नहीं, वो जगह फुल्ली खाली था। न वहाँ पे इक्विपमेंट्स थे, न सिस्टम थे, ना मटेरियल्स था, ना बच्चों का फॉर्म था, कुछ भी नहीं था। लॉकडाउन तो उस समय भी था। उन्होंने रीजन ये बताया कि लॉकडाउन में
रेंट बढ़ रहा था, इसके वजह से हमने सेंटर को फुल्ली क्लोज कर दिया बिना बिना मेरे परमिशन के, जबकि सारा एग्रीमेंट वगैरह सब उनके ऊपर में था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। एटलीस्ट का कहिए कि हम वहाँ पे पार्टनर कम और वहाँ के एम्प्लॉय ज़्यादा थे, तो उन्होंने वहाँ पे दो फ्लोर नीचे अपना सेंटर वहाँ पे उन्होंने स्टेबल कर लिया। और फिर मैं जहाँ एक साल पहले था 2018 में अपने सेंटर को क्लोज करने के बाद, मैं फिर से वहीं पे वहीं का था। मेरा वहाँ पे एक तरह से कहिए तो दिमाग काम करना फुल्ली बंद हो चुका था। मैंने सोचा कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने ठान लिया कि जब ये सेंटर खाली हुआ है तो मुझे इसी में ही अपना सेंटर हमको डालना है। जो उस सेंटर के जो जगह के मालिक थे, मैंने उससे बात किया, सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन था मैंने फॉलो किया, और 5 दिन के अंदर में, मुझे आज भी वो डेट याद है कि मैं 1 अक्टूबर को अपने गांव से आया था लॉकडाउन के बाद, और 5 या 6 अक्टूबर को ही मैंने अपना सेंटर वहां पे स्टेबल कर दिया था 5 दिनों के अंदर, क्योंकि वहां पे मेरे अस्तित्व पे सवाल उठ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और हरिओम टावर में ही मैंने उसी जगह पे जहां पे सेंटर क्लोज हुआ था, उसी जगह कंटिन्यू चला हुआ था। तो बात यहाँ पे ये है कि लोग आपको तोड़ना चाहेंगे, आप कितना टूट रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम भी वहाँ टूट जाते और अपना कदम पीछे ले लेते तो शायद हम यहाँ आज नहीं रहते। डिसीजन और रिजल्ट बात का चीज़ है, पहले आप कितना किए हो डिपेंड वो करता है आपको। तो चलिए आज के लिए ही इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब का अपेक्षा आपसे हम रखते हैं, और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग कल फिर मिलेंगे स्ट्रगल टू सक्सेस पार्ट 4 में। तब तक के लिए नमस्कार, एंजॉय कीजिए होली, आप लोग अच्छे से मनाइए, सेफली मनाइए। आज बाहर ज़्यादा नहीं घूमना है, आज आपको घर में रहना है और अपने फैमिली के साथ में होली सेलिब्रेट करना है। चलिए बाय, कल फिर मिलता हूँ।